जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। जानेंगे कि ये स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से लोअर सर्किट में क्यों चल रहा है, स्टॉक में लगातार गिरावट क्यों हो रही है, साथ में क्या स्टॉक में नया अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, स्टॉक को बोनस या स्प्लिट से संबंधित, तो इससे बोनस या स्प्लिट जो भी मिलने वाला है इसके बारे में भी बात करेंगे। शुरुआत हमेशा की तरह शुरू से करेंगे, एक डिटेल्स को समझेंगे, बताऊंगा जिसके पास पहले से इन्वेस्टमेंट है उन्हें आगे की अभी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक का प्राइस लगातार नीचे जा रहा है। जिसके पास अभी इस कंपनी के शेयर्स नहीं है वो कैसे इस कंपनी के शेयर्स को बाई कर सकते हैं, कहाँ पे बाई कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए, तुम्हें बेनिफिट होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग बीएस इंडेक्स वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्वेंचर ग्रोथ सिक्योरिटीज लिमिटेड जो कंपनी है ये आज के दिन तकरीबन 3.5% के आसपास ये स्टॉक गिरा है और ये स्टॉक अभी रेड फ्लैग यानी कि एसएम स्टेज में भी है। साथ में यहाँ पर जब नोटिफिकेशन में आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये स्टॉक लोअर सर्किट में टच चल रहा है। पिछले यदि 2-3 दिनों से देखें तो लोअर सर्किट में स्टॉक आपको चलते हुए दिखेगा, जिस वजह से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक तो लोअर सर्किट में है तो आप वैसे भी नहीं बेच पाएंगे, और दूसरी बात ये चूंकि ये स्टॉक जिसमें बताया कि अभी आपको एसएम स्टेज में देखने को मिल रहा है तो इसमें भी हो सकता है बाई सेल करने में दिक्कत आ रही हो। जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, आप सप्ताह में जब कोई स्टॉक एसएम की कैटेगरी में होता है फिर भी उसमें सप्ताह में मंडे के दिन एक दिन ट्रेडिंग जरूर होती है। एक दिन यदि बेचना चाहते हैं तो आप बेच के निकल सकते हैं, उस दिन प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपका शेयर सेल हो जाए। लेकिन मेरा सवाल है कि इसको सेल करना ही क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है, जब मैं आपको आगे बताऊंगा तो समझ में आएगा कि यदि आप इसमें समय देते हैं तो आपका इसमें पैसा बनेगा। यहाँ पे यदि हम लोग कॉर्पोरेट एक्सेंस में सेल का अपडेट लें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कॉर्पोरेट एक्सेंस में कंपनी के स्टॉक स्प्लिट से संबंधित। 10 रुपीज का 1 हो जाएगा यानी कि 1:10 का ये कंपनी स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है, और इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट रखा गया वो रखा गया 24 जून को। अभी समय है क्योंकि बहुत दिनों के बाद कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शन होने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है एक अच्छा स्टॉक स्प्लिट होगा और समय दिया गया है अभी से लेकर, आपके पास अच्छा खासा समय है। इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस कंपनी के एज ए शेयर होल्डर से बन के स्टॉक स्प्लिट और बोनस का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इस कंपनी के शेयर्स को बाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 24 से 25 जून से पहले इस कंपनी के शेयर्स को बाई करना होगा। समय समय पर कंपनी आपको डिविडेंड बोनस ये सब देती रहती है, तो एक छोटी सी कंपनी जब डिविडेंड और बोनस देती है तो कहीं ना कहीं उसमें आगे चल के ग्रो होने का पोटेंशियल होता है, तभी वो अपने शेयर होल्डर्स को ये स्टॉक और डिविडेंड जैसी चीज़ें देती रहती है। तो एक बात तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड में वो पोटेंशियल है, कहीं ना कहीं कंपनी के पास जगह सा पैसा है, तब कंपनी डिविडेंड और बोनस जैसी चीज़ें अपने न्यूज़ को देती है। अब चलिए बाकी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले काम को देखें तो कंपनी जो है स्टॉक ब्रोकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है। स्टॉक ब्रोकिंग कहने का मतलब हुआ कि जैसे आप स्टॉक ग्रो एंजलों का नाम सुनते हैं, ठीक उसी तरीके से ये कंपनी भी काम करती है, डीमैट अकाउंट ओपन कराती है लोगों को, उससे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने का काम कराती है। तो आज के समय में ये बिजनेस काफ़ी रन करेगा, तो इसलिए यदि आप इसमें समय देंगे तो काम के बेसिस पे भी कंपनी का शेयर प्राइस आगे चल के बढ़ने के चांस रहेंगे। अब यदि हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल को समझे तो तकरीबन 250 करोड़ के आसपास, 250 करोड़ से ज्यादा ही कंपनी का मार्केट कैप, एक छोटी कंपनी है। स्टॉक का पीई भी आपको डबल डिजिट में देखने को मिलेगा, ठीक है शेयर प्राइस देखेंगे 3 रुपए है, बुक वैल्यू से शेयर प्राइस ज्यादा है तो ये बढ़िया बात है। सबसे मेन चीज क्या देखा जाता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको तकरीबन 4.5% के आसपास देखने को मिल रहा है, अच्छी खासा है। एक छोटी सी कंपनी में रिटर्न ऑन इक्विटी जहां सामान्यतः पेनी स्टॉक में माइनस में होता है, यहाँ पे माइनस में नहीं है तो ये ठीक है। बैलेंस शीट जब देखते हैं इस कंपनी का आप, तो आप पाएंगे कंपनी के पास जो पहले से डेब्ट थे वो डेब्ट कम होते हुए लगता है आपको दिख रहा है, कंपनी के कर्जे लगता है कम हो रहे हैं और जो फ्री कैश फ्लो होता है, जो कैश पैसा होता है वो कंपनी का बढ़ रहा है। यानी कि जैसे मैंने शुरू में बताया कंपनी के पास कहीं ना कहीं पोटेंशियल है, तभी अपने निवेशकों को ये डिविडेंड और बोनस जैसी चीज़ें दे रही है, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि कंपनी के पास पोटेंशियल है। यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कंपनी का जो कैश फ्लो होता है वो बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, एक्सेल के चार्ट पर आए हैं और यहाँ पर देखेंगे कंपनी का शेयर प्राइस एक एक स्टेप ऊपर जा रहा है। देखिए पहले ये 2 रुपये का लेवल था, 2 रुपये से 2.5 रुपये के बीच में कुछ दिनों तक कंसोलिडेट किया, जब इससे प्राइस ऊपर निकला तो फिर 3 रुपये के बीच में आके कंसोलिडेट करने लगा इस रेंज में, और फिर जब इस रेंज से ऊपर निकला तो अभी 3 रुपये से लेकर 3.5 रुपये के बीच में आपको ये स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। फिर जब इसके ऊपर निकलेगा तो फिर जाके 4 रुपये के बीच आपको कंसोलिडेट करते हुए नजर आएगा। यानी कि प्रीवियस स्टेज देखिए टेक्निकल में ही देखा जाता है, यही बातें पता चलती है कि आगे टेक्निकल के हिसाब से क्या हो सकती है। तो जैसे मैंने आपको स्पष्ट किया कि अभी जो प्राइस नीचे आ रहा है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आ रहा है, यहाँ पे 3 रुपये के आसपास सपोर्ट लेगा और यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट करके प्राइस ऊपर उठेगा, तो इजिली आपको कम से कम 4 रुपये तक शॉर्ट टर्म में आपको आते हुए दिखेगा। और फिर ये जो इसके लिए एक रेजिस्टेंस है इसको जहाँ ब्रेक किया, यहाँ पर आप देखेंगे तो डब्ल्यू टाइप का भी फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको होते हुए दिख रहा है, डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है और जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा इस लेवल को तो इजिली प्राइस 4 रुपये के ऊपर जब निकलेगा तो आपको 5-10 रुपये तक जाते हुए दिख सकता है। तो आपको शॉर्ट टर्म में घबराना ही नहीं है गिरावट से, आपके पास है तो जैसे बने नए व्यक्ति क्या करेंगे जब प्राइस 4 रुपये के करीब आए यहाँ से ऊपर निकलने लगे तो आप लंबी अवधि के लिए हो सके तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म के लिए 4 रुपये तक ले जाना चाहते हैं तो फिर जैसे प्राइस यहाँ से घूमेगा तो आप यहीं पे एंट्री ले लीजिएगा, 4 रुपये तक ले जा सकते हैं शॉर्ट टर्म में, इतना प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं।
यदि हम लोग कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट को देखें तो क्वार्टर रिजल्ट भी कंपनी के ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट यानी जो क्वार्टर थे एक नंबर आए हैं, पिछले तमाम क्वार्टर से काफी जबरदस्त नंबर आए हैं, काफी बढ़िया नंबर आए हैं, जिस वजह से कंपनी का सेल्स बढ़ा है तो प्रॉफिट भी आपको इंक्रीज होते हुए दिखा है। और इसलिए लंबी अवधि में यदि आप निवेश करेंगे इस लंबी अवधि को सोच के तो आपको बेनिफिट होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि कंपनी का जो काम है, जो फंडामेंटल है, जो टेक्निकल है, सारी चीज़ें मजबूत हैं, मजबूत अवस्था में है। और जब सब चीज़ें कंपनी में ठीक होती है तो देर सवेर उसमें तेजी आती ही आती है। तो इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी लिमिटेड के बारे में जो अपडेट था, जो जानकारी थी, मैंने आपको दे दी। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आई होंगी। कोई भी मन में सवाल है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मेरी पर्सनली आपको डायरेक्ट बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी कीजिएगा अपने सोच समझ और एनालिसिस की बदौलत कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में जरूर पूछिए। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।